और भाई मेरे शेरों, क्या हाल चाल है भाई? जैसे जैसे सॉल्यूशन आ रहे हैं, दिल की दुगदुगी तो बढ़ रही है। नो डाउट तुमने बहुत जुझारूपन दिखाया है, बहुत बढ़िया काम करके दिखाया है। एक एग्जाम तो निपट गया, बट एग्जाम तो दूसरा भी सिर पर है। गेट 2019 के लिए क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेज के लिए। आ जाओ, कर लो इस एग्जाम से भी दो दो हाथ। और नेट के एग्जाम को देख करके भी खाली बैठने का टाइम नहीं है भाई, इसका रिजल्ट 6 महीने बाद आएगा। और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो बहुत देर मालूम पड़ेगा। इसलिए समझदारी तभी होती है जब रिजल्ट हाथ में आ चुका होता है। नेट 2019 के लिए भी तैयारी कल से शुरू हो रही है। ये तैयारियां शॉर्ट होंगी, एक्यूरेट होंगी, फास्ट होंगी और इसीलिए भाई ये एफिशिएंट होंगी। आ जाओ तुम भी आई फ्लाई का पार्ट बन जाओ। आज ही व्हाट्सएप करो 9013902981 इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। ये क्लासेस जो कि ऑनलाइन है, तुम्हारी सुविधा के अकॉर्डिंग है। जब तुम्हें टाइम हो तब तुम पढ़ सकते हो। अब कोई बाउंडेशन तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी घर की जिम्मेदारियां, तुम्हारे कॉलेज के शेड्यूल्स या फिर तुम्हारी नौकरियां, चाहे तुम किसी भी कंडीशन में हो, अगर तुम में काम करने की इच्छा है तो भाई ये एग्जाम तुम जीत सकते हो। तुम भी अपने एग्जाम को अपनी ही कंडीशन में रह करके प्रिपेयर कर सकते हो। चलो देखते हैं कुछ और क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 30 सबसे आसान सवालों में से एक था। क्वेश्चन में ये पूछ रखा था कि भाई इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक ऐसा है जो सीरीन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेज एमटोर को इनहिबिट करता है। कुछ याद है एमटोर की फुल फॉर्म क्या थी? मैमेलियन टारगेट ऑफ रैपामाइसिन। भाई रैपामाइसिन ड्रग कैसे काम करती है इसको स्टडी करने के चक्कर में तो याद आया था। तो नो डाउट यही तो वो एंटीबायोटिक है जो इसको इनहिबिट करता है, रैपामाइसिन। क्वेश्चन नंबर 32। मैनी साइटोक्सिक टी लिम्फोसाइट्स इनिशिएट किलिंग ऑफ टारगेट सेल वाया डिलीवरी ऑफ मॉलिक्यूल दैट कुड इंड्यूस टारगेट सेल डैमेज डायरेक्टली, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। भाई हम लोग सभी जानते हैं कि टी सी सेल बड़ी खतरनाक सेल है, वैसे तो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन जब एक्टिवेट हो जाती है तो एक्टिवेट होने के बाद सामने वाली सेल का बैंड बजा देती है। हाँ, एक्टिवेट करने के लिए MSC1 बाउंड एंटीजन की जरूरत पड़ती है और एक्टिवेट होते ही ये बन जाती हैं CTL, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। ये ऐसी किसी अपनी सेल को जिसकी हरकतें थोड़ी गड़बड़ लग रही हैं उन्हें मार सकती हैं, या तो मार सकती है अपोप्टोसिस के द्वारा, फास्ट लाइगैंड फास्ट रिसेप्टर की स्टोरी, या फिर ये बनाती हैं कुछ खास तरह के एंजाइम्स जैसे कि ग्रैनजाइम। टारगेट सेल को पकड़ती हैं और उसके अंदर ग्रैनजाइम की बाल्टियां भर भर के उड़ेल देती हैं। यही ग्रैनजाइम सामने वाली सेल की वाट लगाते हैं और भाई जान ले लेते हैं उसकी। आफ्टर ऑल भाई अगर शरीर को बचाना है, दो चार सेल की जान चले जाए तो फिर कौन सा गम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 34 बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। व्हाट वुड बी द ट्राइपेप्टाइड प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग डीएनए सीक्वेंस। यार इस क्वेश्चन को देख करके पहले तो मन में ये लगा कि जेनेटिक कोड अगर याद है तो हो सकता है, और अगर जेनेटिक कोड याद नहीं है तो ये क्वेश्चन होने का नहीं है, और इसलिए बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई भी नहीं किया। बट यही तो बात आती है शेर प्रवृत्ति की। शेर हिम्मत नहीं हारते, शेर तो भाई हमला करते हैं ऐसे क्वेश्चनों पे भी। अरे यार कम से कम करके देख लो एक बार कि जो ये बोल रहा है वो इन्फॉर्मेशन है क्या। अगर हम इस डीएनए के मैसेज को आरएनए में कोड करें तो हमारे पास आरएनए आएगा UUC AUG और AGA। यहां पर तीन कोडोन मुझे दिखाई दे रहे हैं, UUC AUG AGA। क्या कोई सा कोडोन ऐसा है जो तुम्हें बचपन से याद हो, जिसके लिए जेनेटिक कोड याद करने की जरूरत ही ना हो? AUG हम जानते हैं, बीच वाला कोडोन AUG है और AUG मेथियोनिन को कोड करता है। तो इन चार ऑप्शनों में किस ऑप्शन के अंदर बीच में मेथियोनिन रखा हुआ था? केवल एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, और इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर था। अब बताओ ये क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट था? क्या वाकई में इस क्वेश्चन को करने के लिए जेनेटिक कोड की जरूरत थी? यार ये क्वेश्चन तो बिलीव का था, ये क्वेश्चन था तुम्हारी शेर वाली प्रवृत्ति का। अगर तुमने ठानी थी कि जूझना है और करके देखना है तो तुम करते तो तुम्हारे दिमाग की भी घंटी बज जाती और तुम्हें ये एयूजी दिख जाता। तुम में से बहुत लोगों ने किया भी है और भाई जिन्होंने किया है मेरी तरफ से बधाइयां। क्वेश्चन नंबर 50, पेडिग्री और वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की दे रखी है। अब यहां एक बंदा दिखा रखा है जिसको डिजीज है, तो नो डाउट इसके पास होमोजाइगस कंडीशन होगी रिसेसिव। लेकिन ये स्मॉल डी दो हैं, तो एक आया एक पेरेंट से, एक आया एक पेरेंट से, लेकिन दोनों पेरेंट जो दिखा रखे हैं वो बिना किसी शेड के दिखा रखे हैं, इसका मतलब ये नॉर्मल होंगे।
यानी कि दूसरी एलील जो है वो कैपिटल डी होनी चाहिए नॉर्मल वाली। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है कि भाई 6 नंबर की मैडम ये हेट्रोजाइगट हो जाए, इसके चांस क्या है? यार देखो, कैपिटल डी स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी स्मॉल डी के क्रॉस कराने पर मुझे कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी कैपिटल डी एंड स्मॉल डी मिलते हैं। कुल 4 बंदे, जिनमें से एक को तो डिजीज होनी है, लेकिन इसको डिजीज दिखा नहीं रखते। तो ये जो 6 है वो इन 3 में से कोई सा एक है, और इसमें पूछ रखा था उन्होंने हेट्रोजाइगोट की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो भाई हेट्रोजाइगोट की प्रोबेबिलिटी तो है 2/3। बड़ा सीधा सा आंसर था, लेकिन जब तक तुम हाथ चलाओगे नहीं, करोगे नहीं, तब कंफर्म आंसर कहां से निकाल के लाओगे? अगेन यही तो सीखने की बात है जुझारूपन। क्वेश्चन नंबर 63, हार्डी विनबर्ग की कहानी। भाई पॉपुलेशन जेनेटिक्स में इसके बिना तो कभी काम बनता नहीं। इस क्वेश्चन में भी इन्होंने हमें होमोजाइगस की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0.64। इन्होंने कह रखा है कि भाई जो होमोजाइगस हैं, सपोज कैपिटल ए कैपिटल ए, तो ये टोटल 0.64 की फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। हम ये जानते हैं कि 2 अलील सिस्टम के अंदर अलील डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मिलाकर के 1 होती है। तो अगर मुझे ए की फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो मुझे स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, और भाई अगर कैपिटल ए 0.64 है, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0.64 है, तो फिर तो तुम्हें मालूम है ना कि ए का मतलब होता है 0.8 स्क्वायर रूट निकालने पर। और अगर मुझे पता है कि ए है 0.8, तो नो डाउट स्मॉल ए होगा 0.2। और क्वेश्चन ने पूछ रखा था फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स की, तो हेट्रोजाइगोट की पॉपुलेशन को डिफाइन करने के लिए हार्डी विनबर्ग कहता है 2 कैपिटल ए स्मॉल ए, इनकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज को यहाँ डाल दो, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो भाई कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 0.32। बिना किसी डाउट के एक्यूरेट आंसर निकल आया, और हो गई बल्ले बल्ले। जानकारी जब सही तरीके से मिले और ऐसे मिले कि दिमाग में छप जाएगी, तो फिर यार क्वेश्चन तो आसान हो जाते हैं, करने का भी मन करता है, और लुके छिपे हिंट भी दिखने शुरू आते हैं। आप भी आई फ्लाई की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ये क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, आपके घर बैठे होती हैं, हाई क्वालिटी लेक्चर आते हैं, जब तुम्हें टाइम होता है तब तुम इन क्लासेस कर सकते हो। आज ही क्लास ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप करो 9013902981। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो भाई लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, या जहां भी तुम्हारा मन करे। चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा तो कर लो घंटी के साथ, और चलो फिलहाल तो मजे करो।